ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें प्रमुख सूचकांक के बारे में अध्ययन करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे पूरा लिखिएगा और नोट कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो आज का वीडियो जो है करंट अफेयर में केवल इंडेक्स के बारे में बताया गया है। जो महत्वपूर्ण इंडेक्स है उन्हीं के बारे में बताया गया है, तो उसे अच्छा से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, पहला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। ये 2022 की आंकड़ा बता रहे हैं, ठीक है। 2022 वाला रिपोर्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसे कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करता है। प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान जो है नॉर्वे का है, ठीक है। प्रथम स्थान किसका है? नॉर्वे का है। इसके पहले भी नॉर्वे था, 2021 में भी और 22 में भी नॉर्वे है। और भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान अब हो गया है 150वां। 2021 में कितना था? तो 2021 में था 142वां। तो इतना आपको याद रखना है। दूसरा कर है विश्व खुशहाली सूचकांक। यह कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत नेटवर्क। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। यह जो है किस कब का रिपोर्ट है? 2021 का रिपोर्ट है विश्व खुशहाली, सॉरी यह 22 का रिपोर्ट है, ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक का। और इसमें जो प्रथम स्थान आते हैं वे है फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड आते हैं प्रथम पर, तो इसे भी याद रखिएगा, गलती से यहाँ छूट गया है, याद रखिएगा। और भारत का स्थान कितना पर है? 136वें स्थान पर भारत आते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। यह कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, इसको इंग्लिश में लिखता है WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्रथम स्थान पर कौन सा आता है? आइसलैंड आता है। 2021 का यह ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है और भारत का स्थान 140वां है। अब यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, यह क्या है? विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ठीक है। फोरम वैश्विक क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है यह, ठीक है, फोरम। तो फोरम के बारे में इतना जान गए। अब देखिएगा कि यह जो है विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। वे रिपोर्ट कौन कौन से हैं? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो वैश्विक लिंग अंतर जो रिपोर्ट करता है वह। उसके बाद ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी करता है। उसके बाद ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक को जारी करता है। उसके बाद ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट भी यहीं जारी करता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, विश्व जोखिम रिपोर्ट भी यहीं जारी करता है। उसके बाद है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, समावेशी विकास और विकास रिपोर्ट, ठीक है। ये सभी जो है कौन जारी करता है? WEF जारी करता है। इसके साथ ही WEF जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भी जारी करता है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 जो है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। और इसमें प्रथम देश जो है स्वीडन है, याद रखिएगा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में प्रथम देश स्वीडन है और भारत का स्थान 87वां है 2021 में। इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद है चौथा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। इसको कौन जारी करता है? जर्मन वॉच करता है। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा है? मोजाम्बिक है। और भारत का स्थान कौन है? 7वां है। वान और बर्लिन जो कि जर्मनी में स्थित है, जर्मन वॉच एक स्वतंत्र विकास और पर्यावरण संगठन है जो सतत वैश्विक विकास के लिए कार्यरत है, ठीक है। जर्मन वॉच जो है दो चीज़ जारी करता है, एक
जलवायु जोखिम सूचकांक और दूसरा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, दोनों जो है जर्मन वॉच द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके बाद उसको देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 ये जारी कौन करता है, जर्मन वॉच ही करता है और प्रथम स्थान पर कोई नहीं है, चौथे स्थान से शुरू होता है, चौथे स्थान पर आते हैं डेनमार्क और इसमें भारत का स्थान है 10वां, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद फिर कह रहे हैं छठा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 कौन जारी करता है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यह जारी करता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर कौन आते हैं, अमेरिका आता है और भारत का स्थान 43वां है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 इसे जारी कौन करता है, ग्लोबल फायर पावर जारी करता है और प्रथम स्थान पर कौन है, अमेरिका है और भारत का स्थान कितना है, 4वां है, ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 इसमें इसको जारी कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDS और इसमें प्रथम स्थान पर कौन है, फिनलैंड है और भारत का स्थान कितना है, 136वां है। इसके बाद है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक इसे कौन जारी करता है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है, प्रथम स्थान पर कौन है, नॉर्वे है, ठीक है, और विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में भी नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा है, इसे याद रखिएगा। एक और चीज़ है ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स, इसमें भी नॉर्वे प्रथम पर आता है, ठीक है, 2021 में, तो तीनों जो है प्रथम पर आते हैं, याद रखिएगा। और भारत का स्थान कितना है, 46वां है। उसके बाद आता है ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2021 इसे जारी कौन करता है, कंसल वर्ल्ड वाइड और वेंथुम हिल्प जारी करता है और इसमें प्रथम स्थान पर कौन आते हैं, प्रथम स्थान पर 18 देश आता है, ठीक है, 18 देश को यह प्रथम स्थान मिला है और भारत का स्थान कितना मिला है, 101वें स्थान पर भारत स्थित है, ठीक है। इसके बाद है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 इसे कौन जारी करता है, इकोनॉमिक्स कैम्पेक जो कि लंदन द्वारा जारी किया जाता है और प्रथम स्थान पर कौन है, आयरलैंड है, भारत का स्थान इसमें कितना है, 71वां है। थैंक यू।